बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर समैया फरीद एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ डीपीटी इन टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आई विल बी टीचिंग यू मेडिसिन टू इन दिस सेमेस्टर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्ट्रोक एंड इट्स टाइप्स। तो स्ट्रोक के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रोक है क्या है। बाई डेफिनेशन व्हाट इज़ स्ट्रोक? तो स्ट्रोक जो है वो हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है जो कि हमारे पास वैस्कुलर, कोई भी हमारे पास वैस्कुलर लीजन हो उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास किन किन वजूहात की वजह से स्ट्रोक हो सकता है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइक कोई इन्फार्क्शन हो गया आपके अंदर ब्रेन के अंदर तो उस वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा कोई हेमरेज हो गया है उसके जो भी स्ट्रोक हो गया, कोई कार ट्रामा हो गया उसकी वजह से आपके ब्रेन को कोई लीजन हुआ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो गया, ठीक है। स्ट्रोक का इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो इंसिडेंस का मतलब है कि कौन सी एज के बाद जो है इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कौन सा एज ग्रुप यानी जेंडर है जो ये ज़्यादा इफेक्ट होता है स्ट्रोक से। तो वो हमारे पास एज जो है उसकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये यूजुअली 40 से अबव एज के लोगों में जो है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इसके अंदर मेल जेंडर जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो मेल्स की जो रेशो है वो 1.5 है एज़ कम्पेयर टू 1 फीमेल। हमारे पास स्ट्रोक जो है जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में अगर स्ट्रोक होता है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा लोग जो हैं उससे अफेक्टेड होते हैं? तो हमारे पास अगर सेरिब्रल इन्फार्क्शन होता है तो उसमें 80-85% जो है वो चांसेस होते हैं हमारे पास कि 80-85% पॉपुलेशन में सेरिब्रल इन्फार्क्शन से स्ट्रोक जो होता है वो होता है। जबकि हमारे पास हेमरेजिक जो स्ट्रोक होता है वो 15-20% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर जो है वो पाया जाता है। अब हमारे पास जो तीसरी बात आ जाती है वो आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी यानी टाइप्स। तो अगर हम स्ट्रोक को बात करें तो वो हमारे पास डिवाइड होता है इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म कि वो हुआ किस वजह से। पैथोफिजियोलॉजी में हम यही देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमारे पास या कोई डिजीज़ है वो हुई है तो उसके पीछे कॉज क्या है, वजह क्या है, तो उसको हम जो है वो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग दो टाइप्स के जो है वो मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास एक हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और दूसरा हमारे पास जो होता है वह हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अब इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है? सबसे पहली बात है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया, ठीक है। इस्कीमिया क्या होता है? अगर किसी टिश्यू की ब्लड सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, आपकी वो आर्टरी ऑक्लूड हो गई है, उसके अंदर किसी लिपिड या एम्बोलस की वजह से वो स्टॉप हो गया है वहाँ से ब्लड फ्लो आगे फर्दर टिश्यू तक पहुँचना, उस वजह से अगर हमारे पास ब्लड रिस्ट्रिक्शन की वजह से आगे हमारे पास टिश्यू को जो है वो ना प्रॉपर ब्लड मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो जो है हमारे पास होता है इस्कीमिया। जबकि हाइपोक्सिया जो होता है वो होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एनी रीज़न एट टिश्यू लेवल, तो वो हमारे पास होता है हाइपोक्सिया। तो इस्कीमिया जो है वो हमारे पास हो गया रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, और हाइपोक्सिया हो गया हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास बात कर लेते हैं हम इस्कीमिक स्ट्रोक की, ठीक है। इस्कीमिक जो हमारे पास स्ट्रोक होता है वो हमारे पास कोई भी मेजर आर्टरी जो होती है ब्रेन की वो ऑक्लूड हो जाए उस वजह से होता है। ऑक्लूजन ऑफ एनी मेजर आर्टरी कैन कॉज इस्कीमिक स्ट्रोक। अब हमारे पास ब्रेन जो है वो हमारा वाइटल ऑर्गन है, उसके ब्लड सप्लाई बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए भी अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है। ब्रेन हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अगर वो जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी पूरी बॉडी जो है उससे इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। अब इस्कीमिक स्ट्रोक जो है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? दो वजूहात है, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस होता है कि आपकी एक आर्टरी है उसके अंदर कोई भी जो है ब्लड क्लॉट है या कोई भी कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है या कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से आपकी आर्टरी जो है उस वो नैरो होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उस ऑक्लूजन की वजह से, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब थ्रोम्बोस ये प्रोसेस जो है इसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और वो जो हमारे पास एक प्लैक सा बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस, ठीक है। ये थ्रोम्बस जो है ये अपनी जगह पर रहता है। अब ज़ाहिर बात है इसके अंदर से ब्लड तो फ्लो हो रहा है ना, ड्यूरिंग ब्लड फ्लो कोई इसका छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल इससे डिटैच हो जाए और ब्लड फ्लो के साथ जो है वो आगे ट्रैवल करने लग जाए और आगे जाके किसी माइन्यूट आर्टरी या कैपिलरी को जाके ब्लॉक कर दे, तो दैट पार्टिकल जो कि एक थ्रोम्बस से जो है वो डिटैच हुआ है, दैट कुड बी ब्लड क्लॉट,
कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल हो सकता है, कोई भी कुछ भी मतलब पार्टिकल ऐसा जो कि आगे फर्दर किसी भी स्मॉल आर्टरी या कैपिलरी को जाके अक्लूड कर दे. दैट डिटैच्ड पार्ट ऑफ द थ्रोम्बस इज नोन एज एम्बोलस एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज एम्बोलिज्म. ठीक है, अब हमारे पास ये दो वजूहात होती हैं कि अब जाहिर सी बात है अगर ये किसी आर्टरी को जाके जो है ये कैपिलरी को जाके ब्लॉक कर देगा तो वो आगे फर्दर जिस टिश्यू को भी जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होगी तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाएगी. ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ब्लड जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करके लेके जा रहा होता है, तो वो हमारे पास उस टिश्यू को नहीं मिलेगी तो टिश्यू लेवल पर सेलुलर डेथ हो जाएगी अगर हम उसे फौरी तौर पर जो है वो रिकवर नहीं करते और वो 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम ले लेता है टिश्यू जो है उसकी दोबारा से परफ्यूरेशन जो है वो परफ्यूजन जो है वो स्टार्ट नहीं होती तो वहाँ पे टिश्यू डेथ होने की चांसेस होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये दो रीज़न्स हो गई हैं हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक की. पहली कौन सी रीज़न है हमारे पास इसकी हाइपोक्सिया और थ्रोम्बस एंड दूसरी हमारे पास है एम्बोलस. ठीक है, अब हमारे पास दूसरी जो है वो हमारे पास आ गया हेमरेजिक स्ट्रोक. ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक हमारे पास दो वजह से होता है. व्हाट इज़ हेमरेज, सबसे पहले ये बताना चाहिए. हेमरेज इज़ द रप्चर ऑफ एनी आर्टरी इन द ब्रेन. ठीक है, और वहाँ पे ब्लड जो है वो अंदर ही हमारे पास रिजाइड कर जाए, बाहर ना आए, दैट इज़ हेमरेज. ठीक है, रप्चर ऑफ एनी आर्टरी एंड लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दैट आर्टरी इज़ नोन एज हेमरेज. अब हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज होता है और हमारे पास सब एरेक्नॉइड जो है वो हेमरेज होता है. प्राइमरी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज जो होता है वो स्मॉल आर्टरीज के रप्चर होने की वजह से होता है, जबकि हमारे पास सब एरेक्नॉइड जो होता है वो रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म की वजह से होता है. ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है बात क्लिनिकल फीचर्स की कि हमारे पास क्लिनिकली जो पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग बताते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रोक का पेशेंट है. ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको ख़ुद भी जो है वो क्या फीलिंग्स आती हैं, उसके नमनेस होना उसे स्टार्ट हो जाती है, नमनेस वो फील करता है, उसके अलावा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसकी स्पीच जो है वो क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो उससे क्या कहते हैं डिस्टर्ब्ड होती है, उसके अलावा उससे बोलने में जो है वो मसला आता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उसकी हो मतलब वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता चीज़ों को सही तरीके से, इसके अलावा डिजीनेस फील करता है वो और क्या कहते हैं वॉकिंग में उसे मसला होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्ट्रोक का पेशेंट खुद भी फील करता है और अगर आपके पास वो लाया जाता है तो आप भी उसके अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है उनको देख सकते हैं. जो हम लोग एज अ डॉक्टर जिन चीज़ों को हम लोगों ने देखना होता है वो हम जनरल एग्जामिनेशन के अंदर उसको देखते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं ज़्यादातर जो हमारे पास स्ट्रोक का पेशेंट होता है वो हमारे पास एंड करता है हेमिप्लीजिया में. ठीक है, हेमिप्लीजिया जो है वो हमारे पास इप्सिलेटरल भी हो सकता है और कॉन्ट्रालेटरल भी हो सकता है. अब यहाँ पे हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क होते हैं जिनके कौन कौन से रिस्क हैं जिनकी वजह से हमें हम लोग कह सकते हैं कि इस बंदे को जो है वो स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, रिस्क फैक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और एक हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है कि उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी एज के साथ अगर आप अपनी डाइट का अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको होने ही होने हैं. ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो होते हैं और मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि वो या प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं कि ताकि पेशेंट जो है उसको इन फ्यूचर वो चीज़ें ना हों. तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटस, उसके अलावा हाई अल्कोहल इनटेक, फैमिली हिस्ट्री और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, जबकि हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं एज, 40 इयर्स के बाद आपको ये होने के चांसेस होते हैं, तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपको हो ही जाएगा. ठीक है, उसके अलावा जेंडर जो है मेल्स के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, उसके बाद हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली में ये रन करती है तो आपको भी चांसेस हैं 90% के आपको हो जाएगा ये. उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाता है, उसके बाद एम्बोलिज्म की हिस्ट्री आ जाती है. ठीक है, ये हमारे पास सारे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गए. अब हमारे पास जो अगला फैक्टर है वो हमारे पास है जनरल एग्जामिनेशन के, हम जो है वो पेशेंट का जब हमारे पास लाया जाएगा स्ट्रोक का पेशेंट तो हम उसके जनरल एग्जामिनेशन क्या क्या करेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले उसका आइज़ का एग्जामिनेशन होता है, उसका CVS हम लोग जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन चेक करते हैं और एब्डोमेन चेक करते हैं. ठीक है, आइज़ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके कोई रेटिनोपैथी तो नहीं हुई, रेटिनल
एम्बुलाई तो नहीं कोई बना हुआ, उसके अलावा हम लोग CVS के अंदर क्या देखते हैं, BP को देखते हैं कि उसका BP लो तो नहीं हुआ हुआ या हाई तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके अलावा हम लोग पल्स को देखते हैं, पल्स जो है स्ट्रोक के पेशेंट की हमेशा इरेगुलर होती है और उसको कार्डियक मर्मर्स भी जो हैं वो आप फील कर सकते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास JVP जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। व्हाट इज़ JVP? इट इज़ जगुलर वेन प्रेशर, ठीक है, वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हुआ था। रेस्पिरेशन में हमारे पास उसको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, ठीक है। एब्डोमेन में हम देखेंगे तो यूरिनरी रिटेंशन जो है हम स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर पाएंगे। आगे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ सकते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि हाँ जी इस पेशेंट को जो है वो स्ट्रोक है, तो उसके लिए कौन कौन से हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है ब्लड CP हम ले सकते हैं उसका, FBS करा सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल हम उसका चेक कर सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, ECG करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं हम उसका, उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, इको करा सकते हैं और कैरोटिड डॉपलर करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्ट्रोक कि अगर एक पेशेंट है उसको स्ट्रोक हो गया है तो बाद में आपने उसे मैनेज कैसे करना है ताकि आपने वो फर्दर फ्यूचर में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कैसे करेगा। तो उसके अंदर ये 7 पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी जहन में रखना है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है तो आपने उसको बाद में रिकवर कैसे कराना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है केयरफुल नर्सिंग। केयरफुल नर्सिंग का क्या मतलब है, पेशेंट जो है हेमिप्लीजिक है, फालिज हो गया उसे, अब वो बेड रिडन है, ठीक है। बेड रिडन पेशेंट की मूवमेंट बहुत ही मिनिमल होती है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि उसको, दूसरी बात है कि उसके जो बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं वो बॉडी फ्रिक्शन खाती हैं पूरी, ठीक है। दूसरी बात है वो हिला नहीं सकता अपने आप को, तो आपने उसके क्या करना है, बेड मोबिलिटी के ऊपर काम करना है। दूसरा आपने उसके बेड सोर्स डिवेलप होने जो है उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। आगे आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ द एयरवेज का ऑब्वियसली बात है, एक पेशेंट है वो अपने आप को, अगर उसको हेमिप्लीजिया या कोई भी फालिज का अटैक हुआ है तो वो सांस भी प्रॉपर नहीं ले सकता, सिक्रीशंस जो हैं उसके जो एक्युमुलेट हो रही हैं वो उनको बाहर नहीं निकाल सकता, तो आपने उसकी एयरवे को क्लियर करना है ताकि उसको सांस लेने में आसानी रहे, ठीक है। उसके लिए आप सक्शनिंग कर सकते हैं, जो भी सिक्रीशंस उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं आप उनको जो है वो सक्शन के थ्रू जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास फ्लूइड बैलेंस आ जाता है, ऑब्वियसली बात है अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा तो उसको वैसे ही वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, आपने उस चीज़ को भी प्रिवेंट करना है। अगर उसके अंदर पानी की कमी हो रही है तो आपने डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करना है, तो आपने फ्लूइड जो है उसका बैलेंस मेंटेन रखना है थ्रू IV और ड्रिप्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्किन की आ गई है, स्किन के अंदर हम लोगों ने बेड सोर्स जो हैं उनकी क्या कहते हैं प्रिवेंशन करनी होती है कि वो बेड सोर्स डिवेलप ना हो, और दूसरा हमने स्किन को ड्राई रखना होता है, क्लीन रखना होता है, क्योंकि पेशेंट खुद तो इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी हाइजीन का ये जो भी है वो ख्याल खुद रख सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ब्लैडर एंड बाउल उसकी केयर आ जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम ब्लैडर ब्लैडर कैथेटराइजेशन कर देते हैं ताकि उसके जो क्या कहते हैं ब्लैडर की जो है मूवमेंट उसको वो कंट्रोल कर ले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आइज़, केयर ऑफ आइज़। उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स जो है ड्रॉप्स वो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर एक पेशेंट है वो अपनी आई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आई की मूवमेंट्स को जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर उसके एक केराटाइटिस जो है वो डिवेलप होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो केराटाइटिस को डेवलप ना करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे कि पेशेंट जो है वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर बात है वो फालिज हुआ होता है इस साइड पे, तो वो आंखें बंद नहीं कर पाता, तो हमने उसकी फेस की एक्सरसाइजेज भी करानी होती है, मूवमेंट्स भी करानी होती हैं, और फेस के मसल्स को भी जो है वो हम लोगों ने एक्टिव रखना होता है सो दैट ही और शी कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द आई, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हम लोग क्या क्या जो है वो मेजरमेंट्स और मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये आ जाता है, सबसे पहली बात आ जाती है प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स को हम लोगों ने प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि एक दफ़ा के कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएं तो मसल शॉर्टनिंग और मसल वीकनेस हो जाती है, और वो अगर उसे टाइमली जो है वो हम लोग मैनेज ना करें तो वो फर्दर लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसे करवाती है, ठीक है। उसके बाद DVTs आ जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम लोगों ने प्रिवेंट करना होता है, उसकी लेग की मूवमेंट करानी होती है, पैसिव हम लोगों ने एक्सरसाइजेस करानी होती हैं ताकि ये सारी चीज़ें डेवलप ना हो, ठीक है। क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा वो थ्रोम्बस जो है वहाँ से कोई भी पार्ट जो है वो
डिटैच होगा और वो फिर आगे एम्बुलाई बन के कहीं पे भी मेन आर्टरी आपकी जगह ब्लॉक कर सकता है और आपके फर्दर बॉडी फंक्शंस जो उन्हें क्या कहते हैं डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरे आ जाते हैं रिकवरी ऑफ मसल स्ट्रेंथ। जाहिर बात है आप पैसिव एक्सरसाइजेस कराएंगे तो मसल स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप रहेगी और वो लॉस नहीं करेगा, मसल जो है अपना मसल मास जो है वो लॉस नहीं करेगा, एट्रोफी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रोक जो है उसकी मैनेजमेंट और एटियोलॉजी सारी चीज़ें जो है हमने देख ली हैं। थैंक यू।